बात बारिश के ऑरेंज तूफान की करते हैं और मैदान से पहाड़ तक लेकर उफान की करते हैं, क्योंकि यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी और पूर्वोत्तर के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में एक बार फिर से परेशानी बढ़ सकती है। लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा, साथ ही साथ परेशानी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई इलाके जो कि पूरी तरीके से जल भराव से जूझ रहे हैं। पश्चिमी यूपी पूर्वोत्तर के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है। और वहीं फिरोजाबाद जिले में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। जिले के हाथवंत और खैरागढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है। बबाइन गांव की हालत तो खराब है ही, यहां घरों में पानी घुसा हुआ है। गांव में ट्रैक्टर, पशुओं के चारा काटने की मशीन, घर में रखी खाट सब पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण किसी भी तरीके से ढाल लगाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये है कि लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने लोहे की एक छोटी नाव बना ली है, जिसमें बैठकर वो अपने घर तक पहुंचते हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जद्दोजहद लोगों की आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुगाड़ के नाव के सहारे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव, घर, सड़क सब कुछ जलमग्न हो चुका है। राहत सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही आसानी से। ऐसे में खाने पीने की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी वहीं पर रहने को मजबूर हैं। देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जुगाड़ के नाव से बच्चे अपने घर को पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चंता बेटा पानी बंद है, न्यार पानी चारो पानी लाना पा रहे, कोई नहीं कुछ रोटी पानी तो घर में ही बैठे, कितक जाए कहाँ न जाए, और मकान से हमारा कच्चा गिर पड़ा है। सर जी अभी तो काम बंद पड़ा, जब से पानी जब से भरा जब से काम बंद पड़ा है। घर यहाँ आना ही जाना बंद है, काम तो नहीं चल पाएगा, इसलिए इसकी वजह से पानी की बहुत काफ़ी समस्या है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? ये करीब 5-6 दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पर। करीब 10-12 दिन हो गए, इससे पहले एक महीना और पहले भी स्थिति थोड़ी कम थी इससे, पर लेकिन सरकार ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। फिरोजाबाद में 3 दिन की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। चाहे गांव हो या शहर हो, सब जगह पानी ही पानी। इस समय हम हाथवंत ब्लॉक के गांव बबाइन में मौजूद हैं। यहां चारों तरफ पानी भर चुका है। पानी की स्थिति बताए तो घोटू घोटू तक पानी है घरों के बाहर। मैं भी इस समय पानी के अंदर मौजूद हूँ, और इस समय इस गाँव की अहम बात यह है कि यहाँ लोगों को घर तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आइए, हमारे साथ एक युवक हैं जो नाव में बैठकर अपने घर जा रहे हैं। हमसे बात करेंगे, ये समस्या कब से आ रही है और आप नाव से क्यों जा रहे हैं? सरकार ने अब तक कोई मदद की नहीं की? सरकार आपका? मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह यादव जी है। विश्वनाथ जी, ये आप नाव में बैठ के घर जा रहे हैं तो कितना पानी भरा हुआ है इसको? 4 दिन से कमर तक पानी है, घर में पानी भरा हुआ है, मकान भी गिर गए, मगर कोई लोग सुनवाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक कोई आया ही नहीं। आप लोग आए हैं हमारी सुनवाई के लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप सुनवाई करें। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? गाँव बवाइन है। अच्छा, कितने करीब बोट होंगे या कितने यहाँ पे? करीब 2200 की पोलिंग है, गांव में बोट हैं और अहम लोग जो प्रधान लोग हैं। अच्छा, कुछ अभी तक किसी ने मदद की यहाँ? अभी तक किसी ने मदद नहीं की, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर, अभी तक यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं है इनका ये। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।